हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राम राम और आप सभी को बुलबुल का प्यार भरा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से आप अपना फेशियल किस तरह कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेशियल करने के 4 स्टेप्स होते हैं, तो हमने सबसे पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने डीप क्लिंजिंग मिल्क लिया है आयुर ब्रांड का और इससे हम कर रहे हैं अपने फेस की क्लिंजिंग। तो बहुत ही हल्के हाथों से आप पूरे फेस पर क्रीम फैला लीजिए, जो डीप क्लिंजिंग मिल्क है उसको फैला लीजिए और बिल्कुल हल्के हाथों से राउंड राउंड करते हुए अपने फेस का बहुत ही अच्छी तरह से फेस को बहुत ही अच्छी तरह से क्लींज करेंगे। और या ध्यान रहे, ये करने से पहले सबसे पहले आप अपने फेस को ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश कर लेंगे या फिर अच्छी तरह से फेस वॉश कर लेंगे, तब कोई भी तरह का चीज़ अगर आप अपने फेस पर लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले आपको ये सारा काम कर लेना होता है, अपने फेस को बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लेना होता है। क्योंकि क्या पता आप किचन से आए हो तो वहाँ का डर्ट या फिर बाहर से आए हो तो पॉल्यूशन जो है वो सब आपके फेस पर स्टक हुआ होगा, तो इस वजह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने फेस वॉश करिए, उसके बाद फिर हम क्लिंजिंग मिल्क लगा के हल्के हाथों से 5 मिनट्स के लिए उसको बहुत ही अच्छी तरह से रब करेंगे और उसके बाद ल्यूकवॉर्म वाटर में टॉवल डिप करके उसको वॉश कर देंगे, क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना होता है कि अपने फेस की बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी होती है। तो यहाँ मैंने मान्यता का स्क्रबिंग क्रीम लिया है और ये देखिए बिल्कुल उसी प्रोसेस से राउंड राउंड करते हुए अपने फेस को स्क्रब करेंगे 2 to 5 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से स्क्रब करेंगे ताकि जो भी आपके फेस में ब्लैक हेड्स हैं या फिर जो पोर्स हैं वो सब ओपन हो जाए बहुत ही अच्छी तरह से और आपका फेस जो है वो एक अच्छा निखार लेके आ पाए। इसलिए हल्के हाथों से राउंड राउंड करके स्क्रब करेंगे। तो जो वीडियो में आपको दिख रही है वो मेरी बहन नेहा है और उसका एनिवर्सरी है, इसलिए हम ये जो फेशियल है वो उसके फेस पर ट्राई कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि आगे लास्ट में वो कैसी लग रही है इस फेशियल करने के बाद। इसका ग्लो एक्चुअली थोड़े टाइम के बाद दिखता है बट इंस्टेंट भी आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखेगा ही। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, और बिल्कुल लाइट हैंड से करेंगे। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए वो आपको स्पीड लग रहा है बट बहुत ही लाइट हैंड से बिल्कुल आराम से करना है हमें स्क्रबिंग। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। घर पर बहुत ही आसानी से हम फेशियल कर सकते हैं, बस चाहिए आपको ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब आपको अपने पास चाहिए होंगे तभी आप ये कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मेरी इस वीडियो को देख के आप घर पर भी फेशियल कर सकते हो। तो देखो और सेव करके रख लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच और घर पर ही बहुत ही आराम तरीके से फेशियल करो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। न्यू आए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी प्रेस कर लेना। तो उसको करने के बाद फिर से हम ल्यूकवॉर्म वाटर में टॉवल को डिप करेंगे और अच्छी तरह से पूरे फेस की क्लीनिंग कर लेंगे। जो हमने स्क्रबिंग किया था वो सारा क्रीम जो है वो रिमूव कर देंगे अपने फेस से। और थर्ड स्टेप में हम करेंगे अपने फेस की मसाज, और मसाज के लिए लिया है मैंने मसाज क्रीम जो कि है नेचर्स का। तो नेचर्स का मैंने मसाज क्रीम लिया है और ये हमारा थर्ड स्टेप है। और फिर से थर्ड स्टेप में हम बिल्कुल उसी प्रोसेस से राउंड राउंड करते हुए अपने पूरे फेस का मसाज करेंगे, क्रीम को अप्लाई करके और पूरे फेस को हम अच्छी तरह से मसाज करेंगे। तो ये देखिए फेस का मसाज स्टार्ट हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे और तब हम चलेंगे 4th स्टेप की ओर। और इसको भी आपको 2 to 5 मिनट्स, जैसे ही आपके टाइम आपके पास जितना भी टाइम हो, अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 to 3 मिनट्स आप मसाज करिए और अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो आप लगभग 5 to 7 मिनट्स मसाज करिए अपने फेस को। इस पूरे फेशियल के प्रोसेस को आप कम से कम 20 मिनट्स दीजिए, चारों प्रोसेस को 5-5 मिनट्स में डिवाइड करके, तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये आप महीने में 2 बार कर सकते हो अगर आपके फेस का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो, और अगर आपके फेस का ठीक ठाक है तो आप इसको एक टाइम भी कर सकते हो मंथ में।
तो ये देखिए उसको मसाज करने के बाद फेस को फिर से टॉवल को लिप वार्म वाटर में डिप करके और फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, फिर से क्लीन कर लीजिए सारे क्रीम को जो मसाज वाला है, और उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर फेस पैक। ये हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप में हम अपने फेस पर एक अच्छा सा फेस पैक बिल्कुल अच्छी तरह से, और ये पूरे आप अपने नेक तक भी अप्लाई करोगे। जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो वो पूरे नेक तक भी करना है। मैंने इस वीडियो में एक्चुअली नेक का पोर्शन दिखाया नहीं है, बट आपको जो भी इसमें प्रोसेस करना है वो अपने पूरे नेक की तरफ, नहीं तो आपके फेस का जो टोन है और आपके नेक के टोन से मैच नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको ये पूरा प्रोसेस अपने पूरे नेक पर भी करना है। तो फेस मास्क लगाकर और आपके उसको 15 से 20 मिनट्स तक छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से लिप बॉम वाटर से वॉश कर लीजिए साफ पानी से। तो देखिए 15 मिनट्स के बाद कितना सुंदर सा ग्लो आया है इसके चेहरे पर, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।